आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, दिस इज द स्टेशनरी चार्ज। वी आर कंसिडरिंग, ऐसा नहीं है कि ये यही सिर्फ फिक्स होगा, आप Q2 भी फिक्स कर सकते हैं, बट फॉर आवर कंसिडरेशन वी आर टेकिंग द स्टेशनरी चार्जेस Q1, ओके, एंड Q2 इज मूवेबल, ओके, दिस इज मूवेबल। नाउ लेट दिस पॉइंट बी एम एंड दिस पॉइंट विल बी एन, ओके, एंड Q2 इज मूव्ड फ्रॉम एन टू पी। यहाँ पे हम कोई एलिवेंटल लेंथ ले लेते हैं, डेट इज डी एक्स, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दैट इज एक्स। X1 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड X2 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस, यानी X1 M से N तक का डिस्टेंस और X2 M से P तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब इन दोनों चार्ज के लिए फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ Fx, F इज इक्वल टू हाउ मच, K इंटू Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, dW dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हो जाएगा dW इज इक्वल टू F इंटू dx, ओके, दैट इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो नेटवर्क डन फ्रॉम एन टू पी मूव करने के लिए कितना होगा, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अप टू X1 से लेके X2 तक एन टू पी, दैट मीन्स X1 टू X2, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। दिस विल बी Q1 Q2 बाई 4πε0 1/कितना X1 माइनस 1/X2, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी, सो इट्स यूनिट विल बी जूल। सो वर्क डन इज हाउ मच चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट X1, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट X2, तो वर्क डन कितना हुआ, X2 से X1 तक का जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा वही तो वर्क डन होगा। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मान लीजिए UX2 माइनस U(x1), दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच, वर्क डन इन दिस डायरेक्शन, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ W, दैट मीन्स Q1 Q2 बाय 4πε 1/x2 माइनस 1/x1, यूनिट विल बी सेम, दैट विल बी जूल। चूंकि हमने कंसीडर किया था कि Q1 स्टेशनरी है और Q2 मूवेबल है, बट एक्चुअली क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन दोनों के स्पेशियल लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनके अक्रॉस जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए दोनों चार्ज के अक्रॉस का डिस्टेंस एक्स है, तो उसके उन दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग को फ्री चार्ज अवेलेबल होता है फॉर द कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए ये एक सेगमेंट है कंडक्टर का, ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रेंडमली ओरिएंटेड होंगे एक दूसरे से, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेंडमली ओरिएंटेड है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसके अक्रॉस, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए सेकेंड स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज,
सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में क्या होता है? एक जब इसके अक्रॉस हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, मान लीजिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चूंकि ये है, तो इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होता है, मींस इधर कोई पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, मींस इस तरह का सबका ओरिएंटेशन हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए टाइम टी के बाद, ये टोटल चार्ज कहाँ पे एकोमुलेट हो जाएगा, इस सरफेस पे टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ 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 एकोमुलेट हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस सरफेस पर एकोमुलेट होगा, ठीक है। अब कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसका डायरेक्शन क्या हो गया, मान लीजिए ई सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड द कंडक्टर आफ्टर द सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई सी वो क्या होगा, ओरिएंटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी ई सी माइनस ई, ओके, मॉड मैग्नीट्यूड का चेक कर रहे हैं तो मॉड यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स जीरो। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर के केस में क्या कंडीशन है, इंसुलेटर में क्या होता है, बेसिक फिजिक्स से आपको इतना पता होगा कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स उसके एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं, मान लीजिए ये उसके एटम्स है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज मीन्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड स्टेज में जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे होता है तो जो ये एटम्स हैं वो डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे इनसाइड एटम, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर क्या हो जाएगा, ई आई, ई आई ई माइनस ई आई विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इंसुलेटर का यूज हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पे करते हैं, ठीक है। अब यहां से अब एक बात आप बेसिक नॉलेज जान लें कि अगर हम ई को बढ़ाते जाएं, ठीक है, ई का वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, अपने एटम को छोड़ देंगे, मीन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी नाउ बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई एनफ टू ब्रेक द एटम्स एंड देयर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द इंसुलेटर। अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है वो एक्चुअली डिस्क्रीट चार्ज के लिए स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल एनर्जी वो सारे के सारे हमने स्टडी किए, दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि चार्ज एक पर्टिकुलर कंटिन्यूटी के साथ अवेलेबल होगा आपके पास। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीन केस हैं, पहला लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम, ठीक है। तो लीनियर के केस में क्या है कि जो चार्ज आपका क्यू है वो एक लीनियर प्रॉपर्टी लीनियर वैल्यू पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में क्या है, जो आपका चार्ज है वो एक लाइन एलिमेंट पर लाइक कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए लाइन एलिमेंट का जो लेंथ है वो डेल एल है, आपका चार्ज अवेलेबल है डेल क्यू, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी डेल क्यू बाई डेल एल, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट विल बी कूलम पर
पर मीटर, कूलम पर मीटर, दैट इज सी पर मीटर। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, ठीक है। दैट मीन्स इफ ए सरफेस इज अवेलेबल डेल एस चार्ज इज डेल क्यू, देन सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, डेल क्यू बाई डेल एस। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम डेल वी, डेल वी डेल क्यू, देन रो इज इक्वल टू हाउ मच, डेल क्यू बाई डेल वी। यूनिट यहाँ से आपको पता चलेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड हेयर कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर इक्वेशन हम इसके टर्म में लिखेंगे तो डेल ई इज इक्वल टू हाउ मच, डेल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में डेल इंटू डेल एल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा इंटू डेल एस बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू डेल बी बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।